काफी रात हो गई है रात की, और वाइपर अभी यहाँ पे डिस्कॉर्ड में वही चीप बातें करता रहता है जिसके लिए वो जाना जाता है। अभी हम लोग खेल रहे हैं वैलोरेंट, रात में स्ट्रीम कर लिया आज हमने यूट्यूब पे, बिग अचीवमेंट। और सुबह का प्लान ये है कि 8 बजे हम जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली SATUL का 4v4 स्कर्मिश होगा, कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद फिर रेगा के साथ मुझे जाना है, रेगा के फैमिली को मुंबई दर्शन कराना है। स्ट्रिक्टली ये कह दिया है मैंने कि बोरीवली तो जाना नहीं है, ऐसी चीपनेस है ना वहाँ पे, बिल्कुल मूड ख़राब हो जाएगा। हेलो वाइपर, अरे बोरीवली आर्मी बोरी में छुप गई है। इट्स 3:20 एट नाइट और अभी हम लोग वैलोरेंट खेल के सो जाएंगे। आई एम नहीं, मैं सुन ही नहीं रहा वाइपर तुम्हारी बात। एयरपोर्ट से ना आधे घंटे में पहुंच जाता। तो भाई ये बात नवी मुंबई वालों से बोलो, मुझसे नहीं। अभी हम लोग खेल के सो जाएंगे और फिर उसके बाद हम सुबह मिलते हैं आपको इन द फुटबॉल मैच। तो हमारी वैलो की स्ट्रीम हो चुकी है अभी, और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं शायद मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैंने व्लॉग अपलोड किया है रेगा के बर्थडे वाला, देखते हैं कौन कौन जग रहा है। यहाँ पे तो सब सो रहे हैं। हालात ये उठेंगे फुटबॉल के लिए, ये उठेंगे। हालात देख लो, उठने वाले हो फुटबॉल के लिए या नहीं? मुझे नहीं लगता, मैं खेल के सोऊंगा। हैं? फुटबॉल खेल के सोऊंगा। फुटबॉल खेल के सोएंगे? ये नहीं, ये ढेर हो जाएंगे। 1 घंटा काफी होगा फुटबॉल के लिए? हाँ, 1 घंटा ही खेलने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि जो है कितनी बात में सच्चाई है, ये जग पाएंगे आज। चूते को मारने चूते मार दे रहा भाई। तो साइबर पंक है क्या? भाई देख रहा चूते। तो तुम ऑफ स्ट्रीम का खेल रहे हो? मेरा स्टोरी मोड कंप्लीट हो चुका है ना, मैं तो भाई बहुत कुछ कर रहा हूं आज। भाई स्टोरी मोड ऑफ स्ट्रीम पे खत्म हो गया? हां, स्टोरी मोड से 10% गेम में, समझ ले। ये बहुत सारा कुछ है लिटरली, तू मतलब ओपन एंड वो है। हां बहुत गलत है, बहुत मतलब देखो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तेरे पास नहीं होगी। क्यों? अगर तूने कहीं पे भी हार ना क्या होगा, समझ ले किसी बंदे को मारना होगा तो ने उसको छोड़ दिया, तो मैंने एक बंदे को छोड़ दिया था ऐसे कि क्या मारना है। ओ, तो उसकी तो भी एक स्टोरी है कि उसने छोड़ने के बाद क्या, उसने छोड़ा तो उसने मेरे को चाबी दिया, चाबी खोला तो मेरे को गाड़ी निकली, पोर्श, सबसे रेयर गाड़ी पूरे गेम की। हम भी खेलेंगे भाई। और लोगों ने कितना एंजॉय करा? लोगों को मजा आ रहा है, थोड़ा इंडियन इंडियन में थोड़ा चूते कट मत करना, ये कट नहीं होना है। अच्छा, ये कट नहीं होना है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हमें रेगा ने उठा दिया है, सुबह का फुटबॉल हो गया फेल, जो भी खेलने जा रहे थे हम लोग। सुबह उठे तो देखा बारिश हो रही है, बारिश में मॉर्टल तो चला गया साइकिलिंग करने के लिए, लेकिन हम लोग खेलने नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। टर्फ का पता नहीं, अगर देखा हुआ रहता तो खेलने चले जाते। अभी रेगा ने उठाया है, 10 मिनट में हमें निकलना है उसकी फैमिली के साथ। रेगा की फैमिली प्लस आंटी, नमन की मम्मी, प्लस उमंग, प्लस मैं, प्लस रेगा, हम सब लोग जा रहे हैं मुंबई दर्शन पे। तो आज आप लोगों को मुंबई दर्शन कराया जाएगा, और मतलब आप लोगों का क्या, मतलब मेरा खुद का दर्शन नहीं हुआ है तो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी दर्शन हो जाएगा। हालात देख लीजिए, अभी भी सो रहे हैं भयंकर। तो हम लोग अब रेडी हो चुके हैं, वॉलेट, दोनों मोबाइल, सब कुछ है हमारे पास। और बस अभी कुछ ही देर में मेरा व्लॉग भी अपलोड होने वाला है, 12 बजने में अभी कुछ ही देर रह गई है, तो देखना ज़रूर, मज़ा आएगा। रेगा का बर्थडे पार्टी था। तो खैर, तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे, रेगा होपफुली तैयार हो चुका होगा, और जल्दी से चलते क्योंकि उसके मम्मी पापा सब तैयार बैठे इंतज़ार कर रहे थे, तो जल्दी से चलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं, हाँ लेट्स गो। अभी ब्लूटूथ कनेक्शन चल रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं मर्सी को एक दुकान पे छोड़ने के लिए, तेज कर दो, और वो वहाँ से उसको कुछ सामान खरीदना है। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं नमन माथुर के घर के बाहर, वेटिंग फॉर रेगास फैमिली, नमन मम्मी एंड उमंग मम्मी। ये अच्छा है, रेगास फैमिली, नमन मम्मी, उमंग मम्मी, तुम्हारा है टम्मी। Hi. Hello guys. Welcome to कर दो. Welcome guys to our new blog. नहीं. हाँ blog ही हो. Blog देखने ही बैठे. क्या हो गया आंटी? Blog देखने बैठे इसलिए कोई निकल नहीं रहा है. Blog देखने बैठे. मेरा. Oh अच्छा. हम भी देख रहे हैं. अच्छा. लात. इतना तो गंदा blog. भाई. मामा ने. मतलब.
बहुत प्यारा ब्लॉग है गाइस, मजा आ गया, मैं अभी वही देख रहा था। मतलब मैं इस हरामखोर के लिए मैं आया हूँ, और ये मतलब जिसका बर्थडे का ब्लॉग है वही नहीं देख रहा है, बाकी सब देख रहे हैं। ये होती है नमक हरामी दोस्ती की। उमंग, जिस जगह तुम थे वही चीज दोबारा देख के क्या मतलब? नहीं, बेसिक नॉलेज। ये जिस जगह पे थे वो सेगमेंट इत्तू सा है, बाकी मेरा इमोशनल और सेंटिमेंटल पोर्शन है जो मेरा हसल था मुंबई तक आने का, जो मेरी मेहनत थी। उमंग, मेरी सारी सिंपैथी, मैं 9 तारीख से मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पे आने की। इमोशंस और क्या बोला है? इमोशंस और क्या बोला तू? सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का पोटली बना बाहर और दूर और दूर और दूर पलटे के बाद। मैं आज के बाद से कभी इन लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगा। नहीं सुनो, आज के बाद से नहीं, तुम कभी नहीं किए, अभी भी मत करो, निकलो। सुनो, थोड़ा बाहर जाना, बेचैन लगेगा घर वाले। यहां से करो, साइकिल पड़ी है कि बोतल की? साइकिल ले जाओ। हां वो चला लूंगा। गाइस, आज ये प्लान हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली नमन कल का रेस्ट लेगा फ्रॉम साइकिलिंग एंड व्हाटएवर एक्सरसाइज ही डज, और जब भी अगली बार जाएगा, चाहे वो कल ही क्यों ना हो, अगर प्लान चेंज हुआ या परसों, तो मैं 7 बजे जाऊंगा उसके। ओ, मैं भी जाऊंगा। चलेगा मेरी साइकिल तो फाड़ी मत मारना, अच्छी साइकिल देख के फाड़ी मार ली तो मैं चलाऊंगा भाई। इतना अच्छी बात में है ना, दो साइकिल पड़ी होंगी पर भाई। हेलो, मुंबई में किसी के पास एटलेस भी हो ना तो भी मुझे बता देना, मैं वो चला लूंगा। हेलो मम्मी को स्कूटी दी। हेलो आंटी। अरे आंटी हमेशा रेडी रेडी टू रोल रहती है। अरे आंटी को तो इस गाड़ी की फुल प्रैक्टिस होगी, कहीं पे भी गिर जाते हैं। कहां से उधर अभी मामा तुम्हारा ब्लॉग देख रहे थे। अच्छा, इसने कितना? नहीं, नो लाइक इसने ही नहीं देखा आंटी, इसके लिए मैं इतना हसल करके आया हूं 9 तारीख से। इतना वो ना अंदर से टेस्ट की तरह चल रहा है, सांस भरा वो आदमी है, दोस्ती के नाम पे कलंक। डिसलाइक कर देते ना तुम्हारी, इनकी भी मैं सारी वीडियोस डिसलाइक करता हूं। आप लोग फिगर होते हैं, हम लोग अपनी आर्मी चला रहे हैं। मंग साउंड दे देना ताकि कॉपीराइट आ जाए। अभी हम लोग हैं किधर वैसे आंटी? गेटवे ऑफ इंडिया, ताज के सामने। हाँ, ये हाँ, ये हम अभी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हैं, और अभी हम इनमें से किसी एक में बैठ के और चक्कर लगा के हम जाएंगे। हाँ हाँ, तो अम्मी जान ने कहा था कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो रईस भाई इन्हीं सब जगहों पर राज करा करते थे। पिछले 10 महीने से रह रहे हैं, पहली बार आए हैं इस जगह पे। हालात देख, एक साल होने वाला है, 2 महीने। हाँ, एक साल हो जाएगा, 2 महीने में हालात देख लीजिए। आमची मुंबई सिर्फ कहने को रह गया। आमची मुंबई का मतलब क्या होता है भाई? आमची मुंबई का मतलब क्या होता है आंटी? हमारी मुंबई, आमची मींस इन मराठी आमची, हमारा। अच्छा, हमारी। तो हमें तो बोलने ही नहीं मिला, 10 महीना हो गया रहते हुए, पहली बार तो यहाँ आ रहे हैं हम। अभी सब खुल गया, लास्ट वीक वाज नॉट ओपन। अच्छा, वी केम विद सिमरन। अच्छा, सिमरन को आना था। हाँ, तो इन लोग सब बोलते बंद है बंद है, तो वी थॉट आज भी बंद ही है। तो बंद होता वैसे संडे? नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड बंद था, अभी ओपन हुआ है। खुला रहता है। हाँ, ऑल डेज। और ये जो फेरी है ना, वो भी बंद थी। और अभी पूछा ये फोटोग्राफर को तो बोल रहे चालू हो गई। फेरी में हम क्या करेंगे? अरे रेगा के मम्मी पापा आए हैं, इसलिए फेरी चालू कराई है। अच्छा ठीक है, आइए। तुम
साले आज जो है ये आंटी को जो है घुमाने के की बहाने तुम आज लेकर आ गए। 10 महीने से हम यहाँ पे हैं, आज तक तुम लेकर नहीं आए हम लोगों को। तुम तो हो ही ना इधर 10 महीने से, तो फिर क्या ही घूमना है तुम्हें? 10 महीने में आज पहली बार क्यों आए? घुमाना पड़ेगा। तुमने आया? नहीं मैं आया हूँ। मैं नहीं आया हूँ ब्रो। सच्ची? अरे मुच्ची पुच्ची कुछ झूठ बोलेगा, कैमरा अंदर गिर जाएगा इतना। अरे ले भाई ऐसे गिरा दे रहा हूं। अरे गिरा दो लेकिन भाई नहीं गया हूं। ओ रस्सी निकल रही है, अभी भागेंगे। रस्सी निकल रही है, हां रस्सी निकल रही है गाइस। और कैप्टन बोलो। भाई तुम कैप्टन हो? तुम कैप्टन पहली करना चाहिए। पहली बार जैक स्पैरो ना देख लो। झूठ बोले कौवा काटे मामा, काले कौवे से बड़ी। ओ हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। उमंग की जिंदगी में उम्मीद उम्मीद देखी बस आंटी शॉर्टकट और वो उमंग को देख ले। उमंग को एक एक भी भाव नहीं दे रहा है। मंग हो नहीं पा रहा है क्या? दाढ़ी देख के डर जा रहा है। अभी तक नहीं हो पा रहा है उमंग, अभी तक नहीं हो पा रहा है। उमंग एक बार खाने की एक्टिंग करो। हाँ तब ले जाए। हाँ मुंह से छीन के ले जाए शायद। क्या हुआ उमंग? कितनी प्यारी लग रही है। क्यों जल्दी कैच कर? डरती भी नहीं है। नहीं नहीं लिया, शूट लिया। हाँ पूरा चल रहा है। अरे भाई 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 टायर पे पैर रखियो। अरे हाँ फिसल जाऊंगा मैं, क्या चूतिया पे की बातें कर रहा है? वो वाला पैर रख। तो पागल हो गया, फिसल जाऊंगा मैं। वो वाला पैर रख। क्या चूतिया पे की पार करी है? यहाँ से रहेगा भी नहीं निकल सकता। हेलो हम कैसे निकले? हेलो वो साइड से चेक करना आपको। ठीक है ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये फाइनली डन इट। तो गाइस बहुत स्ट्रगल के बाद तालिया तालिया। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक खाने की जगह पे, सुख सागर। निकले थे शिव सागर के लिए पर भाई हमें सुख सागर में ले आए। और ये बिल्कुल मरीन ड्राइव के सामने का ही इलाका है ये सब। हैं गिरगांव चौपाटी। गिर गाँव चौपाटी। तो खैर अभी हम लोग गाड़ी पार्क करके मैं और उमंग जा रहे हैं, बाकी सब लोग अंदर जो है पहुंच चुके हैं। वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग खाएंगे एंड देन फिर हम लोग एक क्विक सर्कल मारते हुए बाकी घूमने फिरने वाली जगहों का रुकेंगे नहीं। और जहाँ पर रुके वो बढ़िया ही जगह थी। ये वाली जगह कितनी प्यारी लग रही है, वाली क्रॉस रोड देखो।
पकड़ा गया था यही जगह, इसका स्टैचू भी लगा है ये जो है ना तुकाराम, तो उसका स्टैचू। अच्छा अच्छा, वो लोग खड़े तो है वहाँ पे। हाँ अरे, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्पॉट हो चुका है अब तो। खैर अभी हम लोग जो है अंदर जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस जगह पे। दिस इज़ आर स्पॉट सुख सागर। यहाँ पे उमंग भाई का कहना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना है, खाना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ खाने पीने का देखते हैं, बहुत भूख लग रही है, सुबह का लंच भी नहीं किया था। पूरे दिन की गलत थकान के बाद अभी हम घर आ चुके हैं। कितना बज रहा है? 10:15 हो रहा है यार। बहुत ही गलत टायरिंग डे भाई। मुंबई दर्शन ने तो पूरे अंदर का एक एक इत्तू इत्तू सा सारा एनर्जी खींच लिया। इसको देख लो, काम चोर। एक और ज़िंदगी में मुझे एक और काम चोर मिला है। सही में मुझे लगता था बहुत सही लौंडा है, एक नंबर काम चोर निकला। बहुत हालात खराब है। डोली भाई का यहाँ पे इंस्टा लाइव चल रहा है। अरे हो गया, सब्स बढ़ रहे हैं भाई, तेरे बेटे के लिए कुछ बोलना, तेरे बेटे के लिए। साढ़े 3 लाख रुपए के सेटअप में व्लॉग हो रहा है। 3.5 लाख, 3-4, देखो ये ऐसा लगता है 5.5 लाख रुपए। बाबा पकड़ो ये देखो, 3.5, 1.5 लाख, 50,000, 0 रुपीस। अभी आई एम ऑल सेट, मैं जा रहा हूँ अभी लेटने के लिए, क्योंकि अभी अगर आप देखो मेरा दिल तो बहुत था वैलोरेंट खेलने का, लेकिन यहाँ पे ये मेरे सेटअप पे बैठे हुए हैं, ये खेल रहे हैं साइबर पंक, और ये दोनों सिस्टम तो बिजी है, यहाँ पे चल रहा है वैलोरेंट। तो अभी मैं तो खेल नहीं सकता, और जबकि थग ने बुलाया था कि वैलोरेंट कोई खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन फिर मेरा सिस्टम फ्री नहीं था, तो वो फिर जो है PS5 का कोई गेम खेलने के लिए गया हुआ है। तो अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ लेटने के लिए। आज का दिन मैं अपना यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत खा भी लिया था मैंने, पुलाव आया था, मटर पुलाव, वो मैंने खा लिया था। तो इसी नोट पे आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत टायरिंग और बहुत ही अमेजिंग डे था, और नॉट टू फॉरगेट, मैं आज वो जगह घूमा जो मुंबई में कभी नहीं घूमा मैं, वो जो गेटवे ऑफ इंडिया और वो सारी जगहें थी। तो वो जो सीगल्स वाला वो जितना एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया था। तो आई होप अभी और भी मुंबई में देखने की जगहें होंगी जो नहीं देखी थी। अगर कुछ है बहुत ही प्यारी जगहें हैपनिंग प्लेसेस, तो वो ज़रूर बताना, और वो हम लोग, मैं कोशिश करूँगा कि जाऊँ, मैं रेगा को ले लूँगा या किसी को भी ले लूँगा, या साथ प्लान कर लेंगे। तो लेट्स सी कैसे कैसे होता है, फ्री होते रहेंगे तो कहीं घूमते भी रहेंगे। तो इसी के साथ आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी वजह से आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। एक लाइक करने में देखते हुए व्लॉग को मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता है, तो कोशिश करना अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और अपना फेवरेट मोमेंट अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना, तो जिससे कि मुझे पता लगता रहेगा कि व्हाट ऑल यू हैव बीन लाइकिंग। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, अगली हैपनिंग में, अगली कहानी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय गाइस।